не моя подра, как мы балда разум убивала музыканта, ты мне мебели, я рядом был и верила, не горе, я не ये क्या ऑनलाइन की ऑफलाइन ऑफलाइन का तो वो प्रैक्टिस बैच क्या हाँ प्रैक्टिस बैच जो अच्छा लास्ट पे चला था अरे बड़ी अच्छी बात है यार और ये एसी चलाना हाँ मैं मेरे को बोल लेने दी बहुत उसको बोल देते हैं अच्छा आज तो काफी कठिन है मैं तो लड्डू खिला के करवा देती हूँ बच्चे को तुम्हें तो काजू कतली खिलाते हैं तुम लोग का तो हेयर इतना छोटा बैग था कि इन लोग का तो वो भी नहीं हुआ था फेयरवेल वगैरह भी कुछ नहीं हुआ था उसको बोलो ना काजू कहाँ से हो दिल्ली से और तैयारी कहाँ की मैंने केड़ी के मुकद्दे से स्टार्ट किया ओके और उसके पहले अपने सर से लेके कहाँ से मतलब एक्चुअली दिल्ली से ही हो अच्छा कहाँ रहते हैं रोहिणी में तो आज रोहिणी स्पेशल मिठाई खिलाने आए yes. और मैं क्लास लेके आ गई थी क्योंकि जो बच्चे आते हैं ना टाइम से जो उसमें क्लास का टाइम होता है yes. मैं कहती हूँ सीधा बैच मिल गया क्योंकि बच्चों को देख के ना मोटिवेटेड होते हैं बच्चे ये खाओ तुम तो सबसे पहले तुम खाओ अरे भाई तुमने इतना मेहनत किया है तुम खाओगे ना और ये मिठाई मुझे सबसे मीठी लगती है कारण क्या है तुम लोग का सिलेक्शन का मिठाई है और बताओ अब आगे क्या करना तुम एकदम मार्जिन पे हो क्या ना नहीं बहुत रिलीफ मिली होगी नहीं बस पूछा कौन सा पोस्ट मिला सीजी अकाउंटेंट ओके आज जो लड़का आया था ना 21 साल में हो गया उसका ऑडिटर पोस्ट मिला उसको एक आया वो पोस्टल असिस्टेंट वाला तो मैंने सीधा कह दिया बेटा तुम नहीं बैठते हो तुम्हारा तो रिजल्ट हम क्लेम ही नहीं कर सकते मिठाई तो खिला कहता मैडम ये तो मिलना ही था हम तो यहाँ रैंक के लिए आए क्या रैंक के लिए जाना है कि सीएसएस वगैरह मिल जाए तो सही है तो वही चीज है एक तो तुम्हारा देखो तो बहुत मेंटल प्रेशर पे हो गया तुम तो नाम आप हट गया अब वो हट गया अब तुम परफॉर्मेंस और अच्छा दे पाओगे वो मैंने देखा है कि जैसे 2021 में मतलब फोर्थ होने ही वाला था मतलब ले गया था तो मैंने ये जो 22 का था मतलब 10 से फ्री हो गया तो मार्क्स जैसे पहले नहीं आते थे तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया जब टायर 3 का रिजल्ट आया उसमें जब नंबर कम थे तो फाइनल फिर मेरिट्स आए थे टीयर 3 तो सच में अधिकतर का जुआ हो गया था और मुझे कुछ लोगों ने कहा मैम टीयर 3 खत्म किया तो अब तो उदास होंगे अब मैंने कहा यार टीयर 3 मेरे लिए हेडेक था क्योंकि इंग्लिश पढ़ाती थी टीयर 3 में पढ़ाना पड़ता था लेकिन हमें तो पता ही था यार सेम ऐसे एक लिख के आ रहा है एक को 75 मिल रहा है एक को 50 मिल रहा है तब वही 50-55 होता तो मिल जाता और 40 आए ना तो अच्छा तो लगा कि 50-55 पे हो जाएगा लेकिन अब 40 उतना कम दे दिया तब तो मुश्किल होगा इंग्लिश में लिखे थे हाँ ऐसा नहीं है पहले 62 भी आए थे अच्छा आए उस टाइम प्री और मेंस में था कम थे तो ये पता है कि ना मेरिट में रहता था तब किसको किसको मिठाई खिलाने गए स्पेंसर को खिलाई थी और ऑफिस में आए थे चलो मेरी तरफ से ये छोटा सा आशीर्वाद बच्चे जब कुछ अच्छा करके आते हैं उसको आशीर्वाद दिया जाता है तुम्हारी मम्मी भी दी होगी तुम्हें कुछ है ना आप में देते जॉब लगती है मतलब एक मेंटल प्रेशर हट गया कि हाँ जॉब लगती है वो सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि तुम्हारे एज में मैं समझ सकती हूँ वो घर से ही कितना पापा क्या करते हैं पापा एमसीडी से रिटायर देखो वही था कोई बिजनेस तो था नहीं तो अल्टीमेटली जॉब ही लेना पड़ता और भाई बहन कितने हैं एक भाई है वो प्राइवेट कर रहा है अच्छा क्या एज होगी उनकी 27 हो सकता है तुमको देख के मोटिवेटेड हो करके सोचा ही था नहीं मैम उसको हमने कहा था कर ले पर वो था कि काम यहाँ भी करना है काम वहाँ भी करना है तो उसका ये था कि उसको मिल जाता था हमने कहा था कि गवर्नमेंट कर ले पर उसका मन नहीं था तो मैंने कहा ठीक है अब वही थे हमने टीचर भी है तो उनकी रिटायरमेंट थी ना
सोचा था कि जल्दी जल्दी हो जाए और प्रेशर में ना हो ही नहीं पा रहा था। ये रिलीफ मिल गया कि अब रिलीफ मिल गया, अब अच्छा और अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तुम। इसका देख रहे थे अभी थोड़ा जॉइनिंग में आएगा कि 2023 का प्री और मिल्स हो जाएगा। प्रैक्टिस करो जबरदस्त प्रैक्टिस, रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट, जिस दिन टाइम हो दो मॉक टेस्ट करो। Sure, sure.